हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैन और लॉर्ड्स। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने अपनी बार्ली की खेती चालू कर दी थी जिससे हम एल बना पाएंगे। एल मतलब पीने पानी की उत्तम व्यवस्था, तो उससे भाई ये लोग का एंटरटेनमेंट होगा। अभी तो यहाँ पे एल अपना आई थिंक बिल्कुल नहीं बन रहा होगा। मैंने शायद एक घर वाले को लगा भी दिया था ब्रूरी पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पे अभी हार्वेस्ट सीजन आया नहीं है तो अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्रॉप ग्रोथ देखो 9% पे है, बट जब तक ये ग्रो होगा अपन बाकी सारे काम कर लेते हैं भाई। अपना प्लान ये है कि अपन ये थोड़ा डेवलप हो जाएगा ना तो अपन दूसरे एरिया में भी एक्सपैंड करेंगे, बट दूसरे एरिया में एक्सपैंड करने के लिए अपने को खुद की जेब में पैसा चाहिए भाई। तो खुद की जेब में पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स लगा के लोगों पे। तो टैक्स के लिए हमें बनाना पड़ेगा ये मैन और हाउस, जिसके लिए हमें स्टोन चाहिए और काफी अलग अलग और चीजें चाहिए। मीन्स स्टोन ही चाहिए भाई, और स्मॉल विलेज भी चाहिए जो कि आई थिंक अपना है, अपना लार्ज विलेज है भाई। तो हम लोग अपने एरिया पे स्टोन ढूंढते हैं। आई थिंक ये आयरन डिपॉजिट है एंड दिस इज स्टोन, बहुत ही कम है भाई, 120 है सिर्फ। ओके, बट क्या ही कर सकते हैं भाई। स्टोन के लिए अपन चलेंगे माइनिंग में, इधर लगा देंगे माइनिंग पिट। अच्छा नहीं, माइनिंग पिट नहीं लगाना भाई, स्टोन कटर कैंप लगाना है एक्चुअली में। तो इसको मैं यहीं पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा दूँ या कहीं और लगा दूँ? आई थिंक ये अच्छी जगह है, यहाँ से ये लोग डायरेक्ट आना जाना कर पाएंगे और रख भी देंगे क्योंकि अपना स्टोरेज हाउस भी पास ही में है उसके। ठीक है, तो अपन जब तक के लिए इसको यहीं पर लगा देते हैं। एक मिनट, स्टोरेज हाउस में जाएगा ना ये? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्टोन इधर ही जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो अपन स्टोन कटर कैंप यहीं पे लगा देते हैं। लेट्स गो, यहाँ से ये लोग आ जाएंगे, अपना माइनिंग करते रहेंगे एंड अपना काम चलता रहेगा। बारिश हो रही है भाई, तो आई थिंक खेती में पानी एकदम सही जाएगा, खेत अपना अच्छा हो भाई, बस ये चाहिए अपने को। प्लस आई थिंक स्टोन कटर अपना ये भी अपग्रेड करने में काम आएगा चर्च को। तो चर्च से अपन क्या कर पाएंगे? अपने हाउसेस को, बर्गेस प्लॉट को लेवल 3 पे कर पाएंगे। एक्चुअली में मेरे को हाउसेस तो और बनाने हैं, सोच रहा हूँ मैं कहाँ बनाऊँ क्योंकि रोड से इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा यार, ये थोड़ा बर्गेस प्लॉट लंबा हो गया। एंड इधर अपन बना सकते हैं, थोड़ा डिज़ाइन अपना गड़बड़ हो चुका है भाई, बट एक सिटी ऐसी ही रहती है भाई। परफेक्ट सिटी बनाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी बहुत मुसीबत तो हो अपने को। ये जगह वैसे भी खाली है, मैं यहाँ पे बनाना चालू कर देता हूँ। एक चीज़ और मेरे को पता चली कि अपन ये हटा सकते हैं, ये शरब वरब देख रहे हो ये सब हटा सकते हैं भाई, ये सब बहुत गंदा लग रहा था। इतना सब कुछ अपने को चाहिए नहीं, अपना मैप अच्छे से देखिए भाई पहले, वो बढ़िया लगेगा। ये देखो इतने सारे श्रब्स का क्या करेंगे अपन, चलो लुकिंग गुड। ये भाई बारिश जाए, लेकिन मैं अपना घर बनाना चालू कर देता हूँ। बर्गिस प्लॉट इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यहाँ से आई थिंक काफ़ी है भाई है। चलो इसको भी बिल्ड कर देना भाई जब फ्री हो जाओ आप लोग, ताकि अपना पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहे। अभी तो कम हो गया है और 71 पे आ गया है। और जो अपन जूते बना रहे थे ना, उसको एक्चुअली में अपन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एक महीने में एक ही बार ये लोग जूता लेंगे, जूता या कपड़ा लेंगे, तो ज़्यादा चीज़ें रखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अभी अपने पास 27 शूज़ है भाई देखो, तो जितने अपने घर रहेंगे अपन उतने छोड़ के बाकी सब एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? अपना ये रहा गाइस ट्रेडिंग पोस्ट पे। तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन नॉट क्राफ्टिंग मटेरियल्स कमोडिटीज़। हाँ, तो ये रहे शूज़। शूज़ अपन यहाँ पे कितने छोड़ दें? अच्छा, छोड़ने से पहले एस्टेब्लिश तो कर ले अपन ट्रेड रूट। तो ये लगा दिया हमने एंड इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। आई थिंक मैं सिर्फ 10 छोड़ देता हूँ क्योंकि बनते तो बहुत तेज़ी से जा रहा है, 27 अभी बन चुका है एंड अपना काम होता जाएगा। तो अपन इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मेरे को एक आदमी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने पास पॉपुलेशन नहीं है। मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ वो मैं सोच रहा हूँ। टैवरन में तो कोई लगा नहीं है, इधर 2 लगे हैं, इधर 1 ही लगा है। लॉगिंग कैंप में तो चाहिए ही अपने को, वुड कटर भी एक्चुअली में चाहिए। वुड कटर से याद आया कि अपन पेड़ लगा सकते हैं भाई, यहाँ पे अपन रिफॉरेस्टेशन करना है अपने को, तो उसके लिए अभी अपन अभी से ही चालू कर देते हैं क्योंकि मैंने देखा कि 3 साल लगते हैं भाई पूरे पेड़ उगने में, गेम के हिसाब से 3 साल। असली में हुआ तो अगले जन्म मिलेंगे, बट यहाँ पर मैं देख रूँ कहाँ गया भाई वो। हाँ ये रहा फॉरेस्टर्स हॉट, वर्कर्स प्लांट न्यू ट्रीज इन द स्पेसिफाइड जोन्स। एक्चुअली में बन तो ये भी जाएगा, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास अभी लोग नहीं है यार, तो रुक जाओगे, थोड़ी देर में बनाते हैं अपन उसको। एक तो यही इनको कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको अपग्रेड करता हूँ स्मॉल स्टेबल में, तो इसमें लिविंग स्पेस 2 की हो जाएगी। ये कितना हो गया भाई? अभी 12% पे ही है। ठीक है, धीरे धीरे बन रहा है भाई, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, सबसे पहले घर और बना लेता हूँ ताकि अपने पास वर्कर्स और आ जाएँ। अगर मैं अभी लेवल 3 करूँगा ना तो अपने पास प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगी, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं लेवल 2 ज़रूर कर सकता हूँ भाई। इनको अंडे आ रहे हैं गाइस, अपने पास अंडे काफ़ी भी हो रहे हैं। ब्रेड हो गए 8, ओए ब्रेड नहीं भाई, बेरीज हैं ये 887। अंडे हैं अपने पास 5,
एक्चुअली मैं मेट नहीं आ रहा यार कहीं से। हंटिंग पे तो लगा है भाई, लेकिन ये क्या है कि ये इतना ज़्यादा कम हो चुका है, पता नहीं जा कहाँ रहा है। वो कर सकते हैं क्या यहाँ पे कहीं अपन मीट उगा सकते हैं क्या? उगा सकते हैं बोल रहा हूँ। ओके नहीं नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है तो मीट अपन नहीं कर सकते हैं, यानी कि मेरे को कोई और फूड सोर्स मैं हिंदी बोलना चाह रहा था उसका बट नहीं जमा। सोर्स ढूंढते हैं एंड काम चालू करेंगे भाई। आ जाओ यार, यहाँ पे एक घर बन ही रहा है अपना। ये मार्केट प्लेस आई मीन ठीक ही जगह है, इधर अपन एक घर बना सकते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। अजीब अजीब हो गया घर बट चलता है इतना, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। यहाँ पे अपने को एक्सपेंशन नहीं मिलेगा यार, घर ही मिलेगा सिर्फ। ओके तो अपना घर सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा बनके, दैट्स वेरी गुड। जल्दी जल्दी लाओ भाई वो रिसोर्स, कहाँ ले जा रहे हो? आधे लोग इधर काम करते हैं आधे उधर। ओके वैसे वो स्मॉल स्टेबल कंप्लीट हो चुका है, ये बन गया है तो अपन यहाँ पे एक्चुअली में ऑर्डर कर सकते हैं एक ऑक्स, ताकि अपना सामान इधर उधर जल्दी मूव हो पाए। ये एक्चुअली में करते रहना पड़ेगा अपने को, और इधर अभी बिल्डिंग नहीं हो रहा है। भाई मेरे लोग क्या कामचोर हैं भाई, इतना धीरे बनाते हैं। वर्क एरिया इज एम्प्टी, इसका लॉगिंग कैंप खत्म। ऑल राइट तो तू अब कहाँ लॉक करेगा भाई? इधर मैं करने नहीं दूंगा, उधर जा नहीं सकते, इधर ही आके वो करो। और क्या इधर उधर भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे को फिर वो लॉग लगाना पड़ेगा। रिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वो भी सही है, एक आध बंदा तो ज्वाइन होए ताकि मेरे पास ज्यादा लोग रहे हैं। अपने पास कुछ डेवलपमेंट पॉइंट्स भी पड़े हैं तो वो देख लेता हूँ मैं, किस पे अपने को क्या करना चाहिए। हैवी प्लो ये अपन जरूर कर सकते हैं, अगर अपने को फार्मिंग बहुत ज्यादा करनी है तो ये एक्चुअली में कर सकते हैं। शीप ग्रेजिंग ओके। आई थिंक अपन अपना डेवलपमेंट पॉइंट इस चारकोल बिल्डिंग में खर्च करेंगे, क्योंकि ये एक फायरवुड को दो चारकोल में कन्वर्ट करता है भाई, जो कि काफी एफिशिएंट हो जाएगा अपने लिए फिर। एंड फिर अपने को फायर की फ्यूल की कभी कमी नहीं होगी भाई, ये बात मेरे को रुद्र भाई ने बताई थी, थैंक यू सो मच। तो इसको मैं करता हूँ, लेट्स गो। अपने पास जीरो डेवलपमेंट पॉइंट है एंड अब हम बना सकते हैं एक चारकोल बिल्डिंग। तो ये मेरे को बनानी पड़ेगी वुड कटर के पास ही में, आई थिंक है ना, फायरवुड को कन्वर्ट करेगा वो। लेट मी चेक किधर है ये। हाँ ये रहा चारकोल क्लीन, चारकोल क्लीन बोलते हैं कि क्लीन बोलते हैं पता नहीं भाई, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट अपने को क्या। तो ये फायरवुड को बदलेगा चारकोल में एंड अपन इसको इसी के आसपास लगा देते हैं, ताकि अपना स्टोरेज भी पास ही में रहेगा और फायरवुड वाला भी पास ही में रहेगा। एक्चुअली मैं इसको मैं अब सीधा कर देता हूँ, ये फालतू का मैंने इसे टेढ़ा लगाया हुआ है। इसका वर्क एरिया एम्प्टी हो गया, ओ इनका भाई सब कुछ जा चुका है एंड आई थिंक अब मौसम चेंज हो गया है। ठीक है इस रोड को हटाता हूँ मैं, लेट मी चेक अगर यहाँ पे अपन सही से कहीं लगा पाए। आई थिंक ऐसे इधर ही बनाते हैं, उधर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। ओके ये बन गया ये रोड से, देन अपन यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ठीक है इसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा ताकि बाद में वो एरिया रीयूजेबल होए। ओके लुकिंग गुड भाई, फैमिली मेंबर्स जॉइन वन ऑफ द सेटलर्स, यस लेट्स गो। स्टोन कटर कैंप अब जाके बनाए अपना, वाह बिच्चे वाह। ओके तो फॉरेजर्स हट की अब जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज यहाँ पे अब बेरी अपनी फार्मिंग हो नहीं रही है, ये लार्ज ग्रीनरी वाला टेक ओवर कर लेगा इसको। देन मैं स्टोन कटर पे लगा देता हूँ दो लोग, अपने पास स्टिल तीन लोग हैं एंड अपन वुड कटर पे लगा सकते हैं बट अपने को चारकोल में भी एक बंदा चाहिए होगा। क्या भाई यार फील्ड का क्या है, 18% ग्रोथ है, ऑल राइट नॉट बैड। अभी तो और ग्रो होगा ना, कब तक ग्रो होता है? अगस्त तक ग्रो होगा। ये 42% का ये मतलब है कि 42% अच्छा नहीं फर्टिलिटी है 42% एक्चुअली में। नहीं मैंने सही जगह बनाया है ना, ये थोड़ा बाहर कैसे हो गया ये, व्हाट आई थिंक ये मिस कर दिया मैंने शायद, जब मैं बना रहा था ना तो ध्यान नहीं दिया। इस एरिया पे बनाना तो थोड़ा नीचे चला गया मैं। चलो ये अच्छी बात है कि अपन अपना फार्म का कॉस्ट नहीं है कुछ, दैट्स गुड। आई थिंक अपन यहाँ पे एक और एक्चुअली में फार्म ऐसे बना सकते हैं जो कि इस बार आई थिंक सही रहेगा। बार्ली के लिए तो ये ठीक ठाक एरिया है, बाकी जगह के लिए वो इधर तो बिल्कुल ही गंदी फार्मिंग है भाई। ओके ये भी बन गया, तो मैं यहाँ से ट्रेडर अवेलेबल इन 22 डेज। अच्छा है, एक बार में एक ही मंगा सकते हैं ना अपन, एक महीने में एक बार। ये आ रहा है वैसे 1/2 ही तो फुल है ये, और ये 2/2। अच्छा इधर आके रहने लग गया वो, ठीक है भाई। हाँ ट्रेडिंग पोस्ट पे मैं एक बंदा लगा देता हूँ जो अपना जूता बेचेगा। हमारा जूता किधर है? हाँ 27 शूज हैं अभी, और बाकी ये ले जाके बेच देगा। गेरा एक्सपोर्ट पे लगा हुआ है, 10 अपने पास सरप्लस रहेगा भाई, हर वक्त अपने पास 10 के 10 बचे हुए रहेंगे। एंड ट्रेडर आ भी रहा है, आई मीन लेके जा रहा है शायद। ओके वेरी गुड नाइस, ये जगह हमेशा फुल रहती है, कुछ नहीं कर सकते उसका। हंटिंग कैंप पे एक लगा ही हुआ है। फूड की अपने पास थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि फूड की वैरायटी नहीं हुई है। मैं सोच रहा हूँ ये एक सेकेंड, ये वेजिटेबल्स का क्या चक्कर है? सिक, अरे यार ये बीमार क्यों पड़ा हुआ है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
अच्छा एक बार ये बार्ली वो हो जाए ना, क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट हो जाए, तो ये क्रॉप मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी आधी नॉन फर्टाइल जमीन पे है, और इसको अपन थोड़ा आगे से बना देंगे, प्लस अपन यहाँ पे और फार्म हाउस बना देंगे अपने, तो ये काफी सही हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। देन अपन एक इंसान यहाँ पे लगा देते हैं चारकोल पे, तो ये चारकोल बनाएगा अपना, एंड अपना फ्यूलिंग के लिए एक और ऑप्शन हो जाएगा, फिर कभी लोग ठेंगा नहीं दिखाएंगे अपने को। वैसे ये लोग माइनिंग कर रहे हैं, मैंने माइनिंग पे दो लोग लगाए थे, अच्छा चार स्टोन आया है भाई अभी तक, तो धीरे धीरे माइनिंग कर रहे हैं ये लोग। मेरे को कितना चाहिए मैनोर के लिए, 15 चाहिए, ओके 250 इन्फ्लुएंस भी मिलेगा भाई। प्लस अपना ये देखो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, अगर ज्यादा क्राइम होता रहा, ज्यादा लोग बदमाशी करने लगे ना, तो ये सारे लोग बैंडिट्स बन जाएंगे भाई, एंड अपना शहर छोड़ के चल जाएंगे, गजब ही है। ओके तो अपना बर्गेस प्लॉट लेवल 1 ये हो चुका है, इसको मैं एक्चुअली में अपग्रेड कर लेता हूँ। अपग्रेड के लिए अपने पास क्या नहीं है भाई, ए तो ये फार्म हाउस पे काम करने वाले लोग चारकोल पे क्यों असाइन हुए हैं, व्हाट ये तो नहीं होते ना, व्हाई दिस कोल ऑलरेडी, लोचा है क्या कुछ, ए -30 का क्या हुआ, मैं इम्पोर्ट क्या कर रहा हूँ, अब एक्सपोर्ट ही तो कर रहा हूँ। ओ अपन स्पीयर्स अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, ए लेकिन 0 पे तो सेट है, नो ट्रेड भाई, कुछ नहीं करना है, हद्दी हो गई। स्पीयर वेयर कितने हैं मेरे पास, 5 लार्ज शील्ड पड़ी है और स्पीयर्स नहीं पड़े हैं एक्चुअली में, तो काम करता हूँ 5 ये कर लेता हूँ भाई स्पीयर के लिए, और बोल देता हूँ ये ठीक रहेगा। 22% क्रॉप ग्रोथ बढ़िया चल रहा है भाई, बड़ी जल्दी अपना एल भी बन जाएगा। यहाँ पे चारकोल बना रहा है, बट यार ये चक्कर मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये लोग जब खेती कर रहे हैं तो ये लोग इधर क्यों हैं। ओ 15 स्टोन अपने पास हो चुका है, एक्चुअली में अपन मैनोर बना सकते हैं, एंड अपने को करना चाहिए, तो अपन इससे रेटिन भी बना सकते हैं, रेटिन ही होगा मेरे ख्याल से, रेटिन एक सोल्जर का नाम है, मर्सनरीज टाइप है ये, तो अपन इनको कहीं भी बना सकते हैं, बड़ी एक अच्छी जगह देख के मैं बना लेता हूँ इनको, तो अपना काम हो जाएगा। थोड़ी खाली जगह पे बनाऊँ क्या, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ये ठीक जगह है, या फिर इसके पीछे, ओ ये सही है बीचों बीच, चलो लेट्स बिल्ड। एंड ये क्या है, वेलकम टू कैसल प्लानर, वो तो अपन एक्चुअली में कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, वॉल्स एंड गेट्स, वो बेसिकली इन सब का अभी कुछ काम नहीं है, क्योंकि एक तो ये टावर है, मतलब लोग वहाँ पे रहेंगे, अंदर रहेंगे, अगर कोई एनिमी आएगा तो उनको वहाँ से मारेगा, अभी तो वैसा इतना कुछ रिस्क नहीं है, और वैसा अपन खेल भी नहीं रहे हैं, तो अपन कुछ नहीं करते हैं, बस कमिट कर देते हैं, डायरेक्ट बना दो भाई, ये टैक्स तो लेना है। अब थोड़ा अपन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ताकि ये फटाफट से जून जुलाई अगस्त पहुंच जाए, सितंबर में अपन हार्वेस्ट कर लेंगे एक्चुअली में। बीइंग क्लेम्ड, ए भाई कौन सा क्लेम कर रहा है ये, ZBV भी क्लेम कर रहा है भाई, ये तो सब क्लेम कर रहा है एक्चुअली में, एंड ZBV तो मेरे को लेना था, अरे यार इसने तो बहुत जल्दी क्लेम कर लिया यार, एंड अपने पास इतने लोग नहीं है कि अपन इनसे बैटल कर पाए, एक्चुअली में मेरे को पहले क्लेम कर लेना था उसको। कितने हैं भाई मेरे पास, 19 ही है, वाओ इनसे तो अपन कुछ भी नहीं लड़ पाएंगे भाई। व्हाट, कोई नहीं एक्चुअली में अपन बाद में इनसे टेक ओवर कर सकते हैं ना, हाँ ले लेंगे भाई तुमसे, लड़के लेंगे इस बार, जिम करते हैं हम। मैंने सोचा नहीं था भाई कि इतनी जल्दी जल्दी क्लेम करेगा भाई, उसने 3 रीजन कर लिया मेरे 3 एपिसोड में, मैं भाई आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में किया, उसके एक पिछले एपिसोड में किया, गजब ही है भाई। ओके भाई मैन और बना दो फटाफट यार, सामान फटाफट पहुंचा दो, हमारे पास आई थिंक सारी चीजें नेसेसरी हैं। ओके ये लोग अब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो चारकोल पे ये लोग काम करना चालू कर चुके हैं, दैट्स गुड भाई। मैंने तो वेजिटेबल्स एक बार भी नहीं देखा, ये वेजिटेबल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को, या फिर ये भी हार्वेस्ट सितंबर में ही होंगे। 25% ग्रोथ हुई है अभी, ऑलराइट फास्ट फॉरवर्ड करते चलते हैं भाई, सारा काम होता रहेगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इधर, और ये मैनोर भी बन जाएगा अपने, लोग बड़ा स्लो काम करते हैं एज ऑलवेज। बारिश आ गई भाई, क्या ग्रोथ बढ़ जाएगी। ओके यहाँ पे 3 शूज हैं, 5 स्पीयर अपने हैं, तो अपन एक्चुअली में इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, और शूज़ अपने को बेचने हैं तो वो उधर ले जाके बेच देंगे। कितने बेचे अभी तक पता नहीं चलेगा क्या यार, कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट 12 हैं, 10 रहने चाहिए, तो 2 ही बिकेंगे अपने, 1027 है भाई, देखते हैं। 31% ग्रोथ हो गया, वेरी नाइस, अभी टोटल अपन 15 महीने सर्वाइव कर सकते हैं अगर आज काम छोड़ दे तो, छोड़ देते हैं। और स्टोन कटिंग में आई थिंक स्टोन ख़त्म हुई होने वाला है, 56 है, तो ये मैं पूरा एग्जॉस्ट कर लूँ क्या, ऐसे भी कुछ मतलब नहीं है, रहेगा तो सही है। पॉलिसीज अनलॉक, ओके ओके, तो यहाँ पे अपन टैक्सेस कर सकते हैं भाई, अपन लैंड टैक्स ले सकते हैं ये लोग से, कितना 1%, 1% में नहीं गिरेगा, 2, ओ नहीं भाई इतना नहीं जाना, 2% में माइनस बन जाएगा, 3% में भी ठीक है, 4-5 आई थिंक 5% टैक्स लेते हैं अपन, -3 में जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो इतनी दिक्कत होगी। तो ये जो टैक्स रहेगा ये अपने पर्सनल जेब में जाएगा भाई, अपने जेब में जाएगा, ताकि हम मर्सनरीज खरीद पाएंगे,
और एक्चुअली में यहाँ पे शायद पॉलिसीज भी अनलॉक हो गई थी। हाँ, हंटिंग ग्राउंड्स, बेस्ट पॉलिसी क्या है, स्ट्रिक्ट फास्टिंग, सिटीजन स्किप्स एवरी फिफ्थ मील, रिड्यूसेस फूड कंजम्पशन एंड डिक्रीजेस अप्रूवल। ओके, wild animals on disdeposit breeds twice as faster at the cost of 50% reduced yields from crops. Nahi bhai, nahi chahiye mere ko ye. Approval jayega but food consumption kam hoga, but I don't think so inme se abhi kisi ka bhi fayda hai bhai, to bahut hi zyada debuff hai aisa lag raha hai. Oh, ye log harvest karna chalu kar diye gaya, ek vegetable mere ko dikha hai saalon mein, ek vegetable. I think kafi jaldi consumption ho ja raha hai to ye dikkat ho sakti hai. Isko thoda aur badhate hain bhai, I think apan September mein pahunchne hi wale hain. 34-35% ग्रोथ हो चुकी है, वेरी गुड यार, सही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। स्टोन मेरे पास कितना हो गया, आई थिंक इनफ स्टोन होगा तो ठीक है भाई, 71 हो गया, तो यहाँ से मैं लोगों को हटा देता हूँ स्टोन से, कोई मतलब नहीं है, ये लोग यहाँ पे लगे रहेंगे। इनको अपन एक्चुअली में चारकोल के लिए भी बोल सकते हैं। ओ भाई, टैक्सेशन से -3 काफी ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी नहीं ऐसे, बट 52 कॉइन अपने को मिला है, दैट्स गुड। आई थिंक मैं अभी के लिए हटा दूंगा भाई, क्योंकि अभी अगर लगा के रखूंगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मे बी मैं 1% पे कर सकता हूँ, तो उससे प्रेडिक्टिव लॉस 0 रहेगा, 1% से लोगों को भी फर्क नहीं पड़ेगा एंड अपना भी काम बनता जाएगा, तो 1% पे अपन इसको रखेंगे, सही रहेगा, बाकी ये गिरेगा नहीं भाई। तब अब मेरे पास जो फैमिली खाली बैठी है, इनको कहाँ लगाऊं, इनको मेरे को फार्मिंग पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे हार्वेस्टिंग चालू हो गई इनकी, वेरी नाइस, लेट्स सी भाई, इनको लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये लोग फटाफट काम करके पूरा हार्वेस्ट कर दे, वरना एक बंदे को तो कितना टाइम लगेगा। ये देखो, ये थोड़ा घूम के आते हैं यहाँ पे, व्यूइंग एक्सपीरियंस तो लें जी, बट हार्वेस्टिंग तो काफ़ी तेज़ी से होगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं ऐसा लग रहा है इनको, सही चल रही है आपकी हार्वेस्टिंग, और भी काफ़ी लोग आ गए, दैट्स गुड भाई। ये फटाफट हार्वेस्ट कर लेंगे ना तो अपन इसको हटा के फिर कहीं और भी बना पाएंगे, बाकी मेरे को वेजिटेबल्स के लिए भी और बनाना है। वेजिटेबल्स तो ऐसे कंज्यूम हो रहे हैं जैसे कुछ नहीं है, और अंडे भी एक्चुअली में, व्हाट, अंडे का फंडा किधर जा रहा है यार इतना सारा, एक ये लगा है, दो एंड ये तीन, और भाई अंडे बच ही नहीं रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, अंडे का कंजम्पशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अपना, या फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको लेवल 2 कर दूँ तो वैसे बढ़ जाएगा ना, एक्चुअली में ये लेवल 2 तो करने ही पड़ेंगे अपने को, ये लेवल 2 पे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, दो टाइप के फूड नहीं है इसके पास, वाई, वाह भैया, खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। चलो इसको तो लेवल 2 कर ही देता हूँ मैं, सही रहेगा। ओ तो अभी 14 बार्ली हुई है अपने पास, ये बार्ली कितने में अपने को कितना एल देगी। वर्कर्स यूज बार्ली टू प्रोड्यूस माल्ट, नीड्स टू बी रिफ्यूल्ड, हाँ ये तो ठीक है, माल्ट यहाँ बनेगा और देन अपना इनमें से किसी को मेरे को एक ब्रूरी बनाना पड़ेगा भाई, आई थिंक जो पास में उसको बना देता हूँ, ये लेवल 2 है, हाँ ये बिल्कुल लेवल 2 है भाई, तो इसको मैं बना देता हूँ ब्रूअर, ब्रूरी एक्सटेंशन, प्रोड्यूसेस एल फ्रॉम माल्ट, ठीक है, लेट्स गो। ये काम चालू हो गया इधर, यहाँ पे अपने जूते बिक रहे हैं, वेरी नाइस सर, एक बंदा लगा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ हो गया तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। टोटल मिला के अपने 31 बार्ली हो चुका है, अब 31 बार्ली में कितना एल बनेगा वो देखते हैं अपन, तब जाके मैं इन सबको अपग्रेड करूंगा भाई, क्योंकि इन लोग को बहुत सारा एल चाहिए होगा जीने के लिए, बहुत पीते हैं ये लोग भाई। सारा बार्ली तो इनने यहाँ रख दिया है, यहाँ से अब मैं 2 बंदे निकाल देता हूँ भाई, और एक माल्ट हाउस पे लगा देता हूँ, और एक तो एक्चुअली में चाहिए होगा ये सब बिल्ड करने के लिए, इनको ऐसे ही लगाया हुआ था मैंने, अब एक अनासाइंड तो चाहिए ही इधर। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इधर से सब खाली हो जाए एक बार, ये हो गया खाली, वेरी गुड, इसको करते हैं अपन डिस्ट्रॉय, एंड यहाँ पे हम अपने घर भी बना पाएंगे भाई, ये थोड़ा सही हो जाएगा। घर बनाने से पहले मैं देख लेता हूँ भाई अपना बार्ली किधर किधर बढ़िया है। ओके, इधर थोड़ा ख़राब हो चुका है, अब मैं छोटी फील्ड बना सकता हूँ मे बी, बट ये येलो बीच में आ गया है पैच, तो यहाँ पे अपन खेती कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। अपन एक काम करते हैं ना, 2 या 3 छोटे छोटे खेत बनाते हैं भाई, क्योंकि जब फर्टिलिटी कम होती ही है तो ऐसा करेंगे ना अपन, 2 पे खेती करेंगे, फिर 1 पे छोड़े रहेंगे, फिर अगले साल खेती करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ तो अपन एक्सचेंज करते रहेंगे, ताकि फर्टिलिटी भी बनी रहे और एक खेत से अपने को 3 खेत का फ़ायदा मिले, आई मीन 3 खेत से 1 खेत का, गलत बोल दिया भाई, बट 3 खेत से अपने को आई थिंक फ़ायदा होगा। इधर फार्मिंग में चलते हैं अपन, बार्ली देख लेते हैं भाई, यहाँ से मैं फील्ड बनाना चालू करता हूँ, इसी के बगल में बना दूँ, आई थिंक अब तो इधर ही बनाना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस, और बहुत दूर नहीं करना है अपने को उससे, तो इसको लेते हैं अपन यहाँ से लेकर इसका आधा यहाँ तक, सही रहेगा 0.2 मोरगन, लेट्स ट्राई भाई, ट्राई करने से ही अपना सब भला होगा। देन इसको लेकर यहाँ तक एंड इसको यहाँ से यहाँ तक, 4 खेत बन जाएंगे भाई अपने, बस इनएफिशिएंट ना हो जाए कि 4 खेत पे लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो दिक्कत हो जाएगी अपनी।
ऑलराइट, लुकिंग गुड भाई। अब यहाँ पे एक को लगा देता हूँ, ये लोग काम करते रहेंगे सारा सब कुछ। अभी तो फैलो है तो अपन, हाँ अब बार्ली यहाँ पे अपन कर सकते हैं आराम से। इस पे भी बार्ली हो जाएगी, सब पे बार्ली हो जाएगी। आई थिंक इससे अपने को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि अब अपने पास चार खेत हो गए तो दो पे कर सकते हैं, दो पे नहीं कर सकते अगले साल, चॉइस रहेगा अपने पास। एक काम करता हूँ, एक खेत को रहने ही देता हूँ, क्या पता अगले साल फर्टिलिटी बढ़ जाए, होगा ये, वी विल सी। तो यहाँ पे अपना मॉल्ट तो बड़े अच्छे तरीके से बन रहा है भाई, ये मॉल्ट ले जा रहे हैं आई थिंक, और इसके पास छोड़ देंगे ये लोग। ये ब्रूरी है और अभी बन नहीं रहा ना, नहीं अभी नहीं बन रहा मेरे ख्याल से। ओके मॉल्ट आ गया इधर, वेरी नाइस। किधर है भाई, ठेका जमा हुआ है आपका? हाँ लग तो रहा है इधर काम चालू है भाई, मिलाने का काम कर रहे हैं ये लोग टेबल पे। सही है यार, अभी बनेगा, अभी बना नहीं है, एक बार ये बन जाए अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को और लोग चाहिए बट मेरे को जगह नहीं मिल रही यार अच्छी खासी कहीं पर बनाने के लिए। बट अपने को इससे ज़्यादा घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूछो क्यों? क्योंकि जब अपन लेवल 3 बर्गेस प्लॉट कर लेंगे तो एक घर में एक्चुअली में दो दो फैमिलीज रहने लगेगी, और जैसे अपने पास ये बड़ा घर है ना तो इसमें चार फैमिली रहने लगेगी, तो अपना फ़ायदा रहेगा उससे, और ज़्यादा पॉपुलेशन करके अपना झंझट नहीं बढ़ाना है। तो एक्चुअली में मैं इसका लिविंग स्पेस ही बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे एक फैमिली और रह पाएगी, तो ये कर लेते हैं अपन। ये अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया एंड बाकी और किसी में नहीं है भाई, इतनी जगह मैंने किसी में नहीं छोड़ी है, एक्चुअली इसमें भी छोड़ी है, तो इसको भी कर लेता हूँ। अपने पास दो फैमिली और आ जाएगी फिर। आई थिंक फूड और चारकोल और फायरवुड बहुत है अपने पास। एक मिनट, चारकोल अपना बन रहा है? हाँ बन तो रहा है, बहुत धीरे धीरे बन रहा है, लोग नहीं है ना अपने पास। आई थिंक मैं ग्रीनरी से एक और बंदा हटा देता हूँ, वो ठीक रहेगा। अपन लगा देते हैं फायरवुड पे, नहीं लगाऊंगा अभी क्योंकि मेरे को टैवरन में एक बंदा चाहिए होगा। तो एक बार इधर थोड़ा आ जाए देन अपन चालू कर देंगे बार। अपना बार। ओके दो एल बन गया गाइस इधर, लेट्स गो। और खेती पे भी अपना काम चालू हो चुका है, सही है एकदम, अच्छे से काम करते रहो। अभी सोइंग वोइंग कर देंगे, ये लोग प्लोइंग कर रहे हैं, यहाँ से आने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 17 बार्ली है ही अभी भी। एक मिनट, तो एक का उसने कितना बनाया? ये क्या लेके आ रहा है भाई साहब? देखिए ट्रेडर क्या लेके जाएगा, क्या देके जाएगा। 966 है अपने पास, लेट्स सी। ओके -35 हो गया, लेकिन जूता नहीं लेके जा रहा भाई, और शायद अपन ने सरप्लस में 10 रखने को बोला था ना इसलिए। अरे ये मैडम मॉल्ट इधर क्यों ट्रांसफर कर रही है? व्हाट, इधर नहीं करना भाई, तुम लोग अपने पास रखो ना यार, नसड़ी लोग भाई, इसमें से लेके आओ वापस। जब खुद को चाहिए तो खुद ही रखो ना। फिर एल यहाँ पे है, एल गया किधर वैसे? 3 बन चुका है किधर? टैवरन में तो आया नहीं। ओ इधर, अच्छा यार ग्रीनरी में आ गया, हट। इधर एक बंदा लगा देता हूँ, अब ये एल लाएगा यहाँ पे एंड लोग बैठ के पीने लगेंगे। सॉरी टैक्सेशन का -3 अभी भी हो रहा है। और कुछ मिला तो है नहीं अपने को। ओके तो आई थिंक ये फैमिली लेके जा रही है गाइस एल। ये देखो ये रोड पे किसका झोपड़ा आ गया भाई। खैर एनीवेज ये ड्रम में लेके जा रहे हैं लोग, क्या बात है। अरे भाई मैं देखूंगा लोग कब आएंगे इधर, तब मजा आएगा। ये उधर कहाँ ले गए भाई? ट्रांसपोर्टिंग एल, ये लेके किधर? अच्छा टैवरन में ले जा रहा है ना, ठीक है। अब हमारे पास एल ही एल होगा, लोग खूब बैठ के पियेंगे यहाँ पे, लोग बैठना भी चालू कर दिए। देखो टैवरन कीपर खुद ही पी रहा है अब अपना एल। अरे भाई साहब तुमको बेचना है, तुमको खुद नहीं मनोरंजन करना है, अब बेवड़ा आदमी है ये। ये देखो ये भी आ गए। गजब है यार, सब बैठ के पियेंगे अब। एंड आई थिंक यहाँ पे अब इस पर टैवरन सप्लाई पर टिक हो गया होगा। यप टैवरन फुल है, टैवरन की मेरे को एक्चुअली में एल की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि अपने एल की कभी कमी ना हो, देन अपन अच्छे से अपग्रेड करेंगे फिर। तो चलो गाइस हम लोग फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ट्राई करेंगे अपनी थोड़ी बहुत आर्मी बनाए एंड जो अपने आजू बाजू के नेबर्स हैं उन पे कब्जा करने का ट्राई करें भाई, क्योंकि उनने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया है, आई मीन जो हम लेने वाले थे। तो होपफुली अगले एपिसोड में आर्मी बना पाए, देन थोड़ा अटैक करेंगे उन पे, वो रीजन क्लेम करेंगे एंड अपना जो सिटी है उसको और एक्सपेंड करेंगे। तो अगर आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा देना, हम लोग जाते हैं 500 लाइक के लिए यार, तो फटाफट से लाइक बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।